मैजिकल टाइगर गोरिल्ला वर्सेस रोबोट टाइटन मॉन्स्टर। रोबोट टाइटन मॉन्स्टर कुछ दिनों से अजीब सी हरकतें कर रहा था। उसने शहर में आतंक फैलाना छोड़कर जंगल की ओर अपना रुख मोड़ लिया था और हर जगह जाकर तबाही मचाने लगा, जंगलों को बर्बाद करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। अगर जंगल में उसे कुछ ना मिलता तो वो फिर से शहर जाकर तोड़फोड़ करने लगता और लोगों को नुकसान पहुंचाता था। काफी दिनों तक यही सिलसिला शुरू रहा। समझ में नहीं आ रहा, आखिर इसे चाहिए क्या? इसे रोकना तो अब नामुमकिन सा हो गया है। पता नहीं ये और कितनी बर्बादी फैलाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी को ढूंढ रहा है। बस किसी भी तरह उस पर नजर रखो और लोगों को उससे दूर रखने की कोशिश करो। हम जल्द ही उसे रोकने का तरीका ढूंढ लेंगे। टाइटन मॉन्स्टर एक बार फिर से शहर में आ धमका और एक पुरानी खंडहर जैसी इमारत को घूरने लगा। आखिरकार उसने उस इमारत को भी अपने शक्तिशाली हाथों से तोड़ना शुरू कर दिया। कान फोड़ने वाली आवाज के साथ वो उस इमारत को तोड़ने लगा कि तभी उस इमारत के अंदर से किसी के दहाड़ने की आवाजें आने लगी, जिसे सुनते ही टाइटन मॉन्स्टर बुद्ध बनकर खड़ा हो गया और उन आवाजों को पहचानने की कोशिश करने लगा कि तभी किसी चीज ने ही अंदर से उस इमारत को बम की तरह उड़ा दिया और वो चीज दहाड़ते हुए बाहर निकल आई। वो एक जादुई टाइगर गोरिल्ला था। उसका काला शरीर तो गोरिल्ला का था, लेकिन उस पर बाघ की तरह पीले पट्टे बने हुए थे। बाहर आते ही उसने हल्की सी चुटकी बजाई और देखते ही देखते वो टूटी हुई बिखरी इमारत फिर से पहले जैसी बन गई। टाइटन गोरिल्ला कहने लगा, कई सालों से मैं यहाँ शांति से सोया था, लेकिन तुमने आकर मेरी नींद हराम की है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गोरिल्ला की ये बात सुनकर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर कहता है, मेरे जैसे कई रोबोट्स को मारकर तुम यहाँ चैन की नींद सो रहे हो, ये मैं नहीं होने दूंगा। आज मैं तुम्हें यहाँ खत्म करने आया हूँ। उन दोनों की ये बातें सुनकर एक आदमी कहता है, अबे अब ये नया प्राणी कौन है और ये मॉन्स्टर उसे खत्म करने की बात क्यों कर रहा है? दरअसल मैजिकल टाइगर गोरिल्ला एक सुपर हीरो था जो रोबोट टाइटन मॉन्स्टर जैसे विलन का सफाया करता था। कई सालों पहले उसने ऐसे कई रोबोट टाइटन मॉन्स्टर को जड़ से मिटा कर रख दिया था। उसे लगा था उसने सारे टाइटन मॉन्स्टर का खात्मा कर दिया है, इसलिए वो कई सालों की नींद पूरी करने के लिए उस खंडहर में जाकर सो गया। पर ना जाने कहां से रोबोट टाइटन मॉन्स्टर वहां आ गया और वो अपना बदला पूरा करने के लिए मैजिकल टाइटन गोरिल्ला को हर जगह ढूंढने लगा। उसे पता था वो इसी शहर में आसपास कहीं मिलेगा। तभी मैजिकल टाइगर गोरिल्ला कहता है, तुमने मेरे शहर का काफी नुकसान किया है, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम बस देखते जाओ मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो गया। रोबोट टाइटन मॉन्स्टर पूरी ताकत के साथ टाइगर गोरिल्ला पर हमला करता, पर वो बड़ी आसानी से उस वार को खाली कर देता। पर अभी इतने सालों तक सोए रहने की वजह से उसकी शक्तियाँ काफी कम हो चुकी थी। उसे अपनी शक्तियाँ रिचार्ज करने की जरूरत थी। चुटकी बजाते ही वो गायब हो गया। टाइटन मॉन्स्टर को लगा कि वो डर के भाग गया है। उसे ताने मारकर वो उसे वापस बुलाने लगा और लड़ने के लिए उकसाने लगा कि थोड़ी ही देर में टाइगर गोरिल्ला उसके सामने फिर से प्रकट हो गया और उसके हाथों में सुनहरे रंग के चमकदार केले थे। वो केले उस गोरिल्ला को ताकत देते थे। टाइटन मॉन्स्टर की आंखों के सामने गोरिल्ला ने उन केलों को हजम कर लिया। अचानक उसकी ताकत पूरी तरह से वापस आ गई। डर मत, मैं तुम्हें मारने से पहले कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तो बस लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। इस तरह गुस्से से गुजरता हुआ रोबोट टाइटन मॉन्स्टर गोरिल्ला की तरफ आगे बढ़ा और अपने हाथ में रखे हथियार से उस पर वार कर दिया। लेकिन अब गोरिल्ला पूरी तरह से तैयार था। उसने हवा में ही टाइटन मॉन्स्टर के हाथ पकड़ लिए और उसे उछालकर पटक दिया। दोनों काफी देर तक लड़ते रहे। अगर गोरिल्ला चाहता तो अपनी जादू की चुटकी बजाते ही उस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर देता, पर उसे उस मॉन्स्टर को अपने जादू से ही नहीं अपनी ताकत से तड़पाते हुए मारना था।
आखिरकार गोरिला ने उस मॉन्स्टर को सिर से पैर तक बीचों बीच चीर कर रख दिया और उसके दो टुकड़े कर दिए। अरे इसने तो बड़ी आसानी से उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, लेकिन अब क्या हमें इससे उलझना पड़ेगा? डरो मत इंसानों, मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं, तुम्हारा रक्षक हूँ। मैं फिर से किसी सुरक्षित जगह सोने जा रहा हूँ, पर हाँ, अगर कभी तुम पर मुसीबत आन पड़े तो मुझे दिल से याद करना, मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगा। अलविदा। टाइटन मॉन्स्टर को वहीं पर छोड़ मैजिकल टाइगर गोरिला चुटके बजाते ही गायब हो गया। उसके जाते ही सब लोगों ने चैन की सांस ली और बड़े ही मुश्किल से उससे रोबोट टाइटन मॉन्स्टर के शरीर से छुटकारा पा लिया। अंडरग्राउंड रोबोट वोल्फ वर्सेस जायंट मॉन्स्टर। एक एक करके जायंट मॉन्स्टर शहर के बच्चों को उठाकर लेकर जा रहा था। कोई उसे रोक भी नहीं पा रहा था, ना तो बच्चों को बचा पा रहा था। सारे लोग बड़े ही परेशान हो गए थे। तभी मिहिर कहता है, अरे पर यह मॉन्स्टर बच्चों को ही अपना शिकार क्यों बना रहा है? इसमें कुछ तो बात होगी। अरे मुझे लगता है बच्चों के खून से उसे शक्ति मिलती है, वो उसकी खुराक है, इसलिए वो सिर्फ बच्चों को ही अपना शिकार बना रहा है। तब तो हमें किसी भी कीमत पर सारे बच्चों को इस शहर से बाहर भेज देना चाहिए, तभी हम उससे उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। सारे बच्चों को शहर से बाहर ले जाने की तैयारी शुरू हो गई, पर बहुत से माँ बाप ऐसे थे जो अपने बच्चों को खुद से दूर नहीं करना चाहते थे, तो वो भी उनके साथ शहर छोड़कर जाने लगे। जैसे ही लोग शहर के बाहर जाने लगे, शहर के बाहरी रास्तों पर कुछ जायंट मॉन्स्टर ने उनका रास्ता रोक लिया। अब सारे बच्चे एक साथ पूरी तरह से मुसीबत में पड़ चुके थे। तभी मिहिर कहता है, अरे अब क्या करें? बच्चों को इसके चंगुल से कैसे बचाए? अरे मिहिर तुम बस देखते जाओ, मदद किसी भी वक्त आती होगी, हमें बस सही वक्त का इंतजार करना है। सही मौका मिलते ही हम सारे बच्चों को शहर से बाहर ले जाएंगे। जायंट मॉन्स्टर धीरे धीरे सारे बच्चों की तरफ बढ़ने लगा। उनके माँ बाप बच्चे सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, और अब वो बच्चों की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक बच्चों को पीछे से कोई ढक्कन खुलने की आवाज सुनाई दी। वो एक नाले का ढक्कन था, जो खुलते ही उसमें से एक रोबोट वोल्फ बाहर आया। अरे ये कैसा रोबोट है और ये जमीन से कैसे निकला? अरे ये एक अंडरग्राउंड वोल्फ रोबोट है, ये जमीन के नीचे रहकर ही खतरे को भाप लेता है और जमीन से ऊपर आकर सीधा उस खतरे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है उसे खत्म करने के लिए। उस रोबोट को देखते ही जायंट मॉन्स्टर और ज्यादा बौखला गया। उसके और उसके शिकार के बीच कोई आए वो उसे जरा भी पसंद नहीं था। वो मॉन्स्टर आसपास पड़ी हर एक चीज को उठाकर रोबोट पर फेंकने लगा, पर वो भी भेड़िया की तरह छलांग लगाकर उसके हर एक वार से फिर से बचने लगा। अब रोबोट की बारी थी मॉन्स्टर पर हमला करने की, पर वो जो भी हमला करता था सारे नाकाम हो जाते थे। उस मॉन्स्टर की चमड़ी इतनी ज्यादा मोटी थी कि रोबोट के हमले का उस पर कोई असर नहीं होता। एक पल तो ऐसा आया जब रोबोट ने ऊंची छलांग लगाई और वो मॉन्स्टर के गले से लटकने लगा। मॉन्स्टर ने उसे एक ही झटके में नीचे गिरा दिया, और अब पैरों से वो उसे मसलने ही वाला था कि रोबोट फिर से अंडरग्राउंड हो गया। रोबोट का खास पैतरा था, वो मुश्किल के समय में अंडरग्राउंड हो जाता था और खुद को दुश्मन से बचा लेता था। अरे मिहिर, अभी वो मॉन्स्टर रोबोट से वो लड़ने में व्यस्त है, बस यही सही मौका है बच्चों को उससे दूर करने का। जल्दी करो, अगर रोबोट उसे रोक नहीं पाया तो बच्चों को खा जाएगा। मॉन्स्टर पागलों की तरह रोबोट को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। रोबोट भी अचानक से जमीन से बाहर आकर मॉन्स्टर पर हमला कर देता। तब तक मॉन्स्टर संभल पाए, रोबोट फिर से अंडरग्राउंड हो जाता। अब उसने मॉन्स्टर को पूरी तरह से चकरा कर रख दिया था। मॉन्स्टर पूरी तरह से थक चुका था, उसे उसके खुराक की जरूरत थी, इसलिए वो रोबोट को छोड़ बच्चों को ढूंढने लगा। बच्चों को खुद से दूर जाता देख वो और भी ज्यादा बौखला गया। उसने फिर से अपना रुख बच्चों की ओर कर दिया और उनके पीछे जाने लगा। ओ तेरी, ये फिर से बच्चों के पीछे जाने लगा, ये रोबोट बिना कहाँ चला गया? लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर कुछ कदम आगे बढ़ा, किसी चीज ने उसे पीछे खींच लिया।
उसने मुड़कर देखा तो वो रोबोट उसे पीछे खींच रहा था। मॉन्स्टर लहूलुहान हो गया था, पर तभी रोबोट ने उसके सिर पर छलांग मार दी और अपने नुकीले नाखूनों से उसके सिर के दो टुकड़े कर दिए। ऐसा करते ही मॉन्स्टर तड़प तड़प के मर गया। अब बच्चे सुरक्षित थे, उन्हें शहर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्हें वापस अपने अपने घर भेज दिया गया। रोबोट फिर से अंडरग्राउंड होकर गायब हो गया, किसी ने भी उसे दोबारा नहीं देखा।